Hello everyone, welcome to Roshni Ma'am's class. In today's video, we will learn how to do rounding off to nearest 10 and hundreds. Children, let's start the concept of rounding off. Okay? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि rounding off होता क्या है. Rounding off, जैसे कि question पूछा होता है, round off 18 to its nearest 10. तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस के लिए जो राउंडिंग ऑफ है, मैं उसको आज आपको दो मेथड से बताऊंगी. मेथड वन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन इसलिए बताऊंगी ताकि इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. दूसरा मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, जो डिजिट्स को देख के होता है. जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो हम उस मेथड से करते हैं. ओके? क्योंकि नंबर लाइन से हम लेंदी हो जाएगा, हमें उतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम कि नंबर लाइन बनाएंगे देन सॉल्व करेंगे. लेकिन नंबर लाइन बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10. तो सबसे पहले 10 नियरेस्ट 10 क्या होता है? तो हम देखेंगे कि 10 किस किस नंबर को 10 बोलते हैं. टेंस के प्लेस पे टेंस कौन कौन से नंबर्स होते हैं, बच्चों को यही नहीं पता. आप लोगों का बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं टेंस क्या है, किसको बोलेंगे. ओके? तो 10, देन दूसरा टेंस आता है 20, दिस इज ऑल्सो टेंस. देन 30, देन 40, दिस ऑल नंबर्स आर टेंस नंबर्स. ओके? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. क्यों? क्योंकि इसमें वंस और टेंस डिजिट होते हैं और ये सारे 90, 90, 80, 80 ऐसे टेंस वाले नंबर होते हैं. नाउ अब हमें क्या करना है, जैसे कि एक नंबर है 37, तो हमें बताना है कि इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा. अब आपको समझ आएगा कि टेंस मतलब कि 37 के पास वाला टेंस इसमें से कौन सा है. तो एक चीज तो हम ये भी देख सकते हैं कि 37 किसके बीच में आना चाहिए. 10 और 20 के बीच में 37 आएगा क्या? 10 के बाद 11, 12 होता है तो नहीं आएगा. फिर 20 और 30 के बीच में आएगा क्या? 21, 22 नहीं आएगा. देन 30 से लेके 40 तक 31, 32, 33, 34 ऐसे. तो यानी कि इसी दो इन दोनों के बीच में 37 आएगा. ओके? तो टेंस कौन सा है? 30 और 40. लेकिन आंसर तो एक ही होगा, 30 और 40 दोनों तो आंसर नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे, हमें यही चेक करना है कि 30 और 40 में ये नियरेस्ट टेंस किसके पास है. ओके? तो सबसे पहले हम नंबर लाइन देखेंगे. यहाँ मैंने नंबर लाइन बनाया है, आपको आता है नंबर लाइन बनाने, 30 से 40 वाली नंबर लाइन. ओके? सी 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. एंड वी हैव टू सी द नंबर 37. वेयर इज 37 हियर? वेयर इज 37 हियर? ओके? सो फर्स्ट यू सर्कल दिस 37. नियरेस्ट का मतलब तो सबको पता है, पास में होना. तो 37 आप देख के बता सकते हो कि 30 के पास है या 40 के पास है, किसके नियरेस्ट है. यस, 40 के पास है. सो द आंसर इज 4040. ओके चिल्ड्रेन, डू यू अंडरस्टैंड? यस, ये 37 जो है किसके पास है ज्यादा, 40 के पास. सो द आंसर इज 40. नाउ दूसरा नंबर एक और हम देखते हैं, 62. तो फर्स्ट वी विल सी कि ये किस दो टेंस वाले इंटरवल के बीच में आएगा. ओके? तो अब 10, 20 के बीच में आएगा क्या? नहीं. देन 20 और 30 के बीच में आएगा? नो. 30, 40? नो. 40, 50? नो. 50, 60? नो. 60, 70. तो 60 के बाद 61, 62, 63 और आगे जाएंगे तो 70. तो हमारा ये 60 और 70 का इंटरवल है. फिर हमने नंबर लाइन बनाया 60 से लेके 70 तक का, और बीच में 61, 62, ये पूरा हमने 70 तक लिख दिया. नाउ
वट इज द नंबर हियर 62. वेयर इज द नंबर 62? वेयर इज द नंबर 62? हियर. ओके, फर्स्ट यू सर्कल इट. नाउ टेल मी कि ये अब कौन से दो टेंस के बीच में है, 60 के पास है या 70 के पास है? विच इज द नियरेस्ट टेंस? ऑब्वियसली 60. ये हम देख के बता सकते हैं इजिली. ओके, तो फिर अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60. ओके चिल्ड्रेन, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट टेन 60. अब हम आते हैं दूसरा नंबर. व्हाट इज द नंबर? 55. अगेन हु विल टेल मी इन विच इंटरवल 55 विल कम? 55 विल कम इन 50 to 60. ओके, क्योंकि 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55 आता है. तो दिस, ओके, इसमें आएगा 50 से लेके 60 के बीच में. नाउ तो मैंने फिर नंबर लाइन बनाया 50 टू 60 का, बीच में 51, 52, 53, लाइक दिस. नाउ टेल मी वेयर इज 55? ओके, 55 इज हियर. नाउ अब आप बताओ मुझे कि 55 किसके नियरेस्ट है, 50 के पास है या 60 के पास है? तो अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ सेम नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल सेम है. यहाँ भी बीच में 4 नंबर्स हैं, इधर भी बीच में 4 नंबर्स हैं. तो हम 50 को जो बाद वाला टेंस होता है हम उससे करते हैं, हम उसको नियरेस्ट मानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि 5 का क्या करना है, जब हम मिडिल में होंगे बिल्कुल तो क्या करेंगे? तो हम आगे वाले को नियरेस्ट टेन लेंगे. ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है. बाकी तो इन दोनों में क्लियरली विजिबल था, इसमें विजिबल नहीं है, तो आप ये आगे वाले को नियरेस्ट टेन लोगे. ठीक है, एंड नाउ द आंसर इज 60. ओके, तो अब आपको ये समझ आया कि नियरेस्ट टेन नंबर लाइन पे कैसे होता है. नंबर लाइन पे बहुत इजी है समझना. नाउ वी विल सी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. नाउ वी विल सी कौन कौन से 100 वाले नंबर हैं. ओके, तो 100, देन 200, देन 300, 400, 500, 600, 700, 800, and then 900. Okay? अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 268. अब हमें क्या करना है, 216 को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. मतलब 268 कौन से 100 के पास है, हमें ये बताना है. तो सबसे पहले फिर हम देखेंगे, जैसे अभी ऊपर देख रहे थे टेंस वाले में कि कौन से टेंस के इंटरवल के बीच में आएगा, वैसे ही किस 100 के बीच में आएगा. तो 200 और 200 के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है? नो, बिकॉज 100 से लेके 200 के बीच में सिर्फ 100 वाले नंबर्स आते हैं. 101, 102, लाइक दिस 199 तक के नंबर्स आते हैं. सो 200, तो 200 हम स्टार्ट करते हैं 200 के बाद, 201 से लेके 299 तक आते हैं, 200 से लेके 300 के बीच में. तो 260 इसी इंटरवल में आएगा. नाउ अब मैंने यहाँ नंबर लाइन बनाया 200 से लेके 300 तक का. ठीक है, और हमें 268 बताना है. अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन 201, 202 ऐसे तो हम बना नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे 210 इस इंटरवल को 10 के यूनिट का ले लेंगे. 210, 220, 230, 240, देन 250. मैंने यहाँ पे 50 इसलिए लिया था, अभी मैं समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ आपको ताकि क्लीन आपको दिखेगा. 250, देन 260, 70, 280, 290 एंड देन 300. अब 268 जो है वो कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली 260 और 270 के बीच में, यहाँ कहीं लाई करेगा. ठीक है,
तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 268 है, दैट मीन्स कि हमारा जो नंबर है यहाँ है 268। नाउ यू टेल मी, अभी भी ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये किस 100 के पास है, 200 के पास है या 300 के पास है। ऑब्वियसली अब बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें कि इसका नियरेस्ट किसके नियरेस्ट है, ये 300 के। सो द नियरेस्ट 100 इज 300। ओके, सो आंसर इज 300। नाउ अब हम आते हैं 400, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 432। तो 432 अगेन किस दो 100 के बीच में लाई करना चाहिए, 400 एंड 500 के बीच। ओके, 401 से लेके 499 के बीच ही 432 आता है। अब हम 400 से 500 तक की नंबर लाइन बनाएं और अब हम चेक करेंगे कि 432 कहाँ लाई करेगा। तो ये अगेन 410 हो गया, ये 420 हो गया, ये 430 हो गया। तो ये 430 है, तो 432 यहाँ कहीं आसपास में होगा, इसके पास में बिल्कुल। तो दिस इज 432। नाउ अब आप बता सकते हैं इजीली कि 432 किसके पास है, किसके नियरेस्ट है। यस, ऑब्वियसली ये 400 के नियरेस्ट है। ओके, सो द आंसर इज 400। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 650। फर्स्ट फिर हम चेक करेंगे कि ये कौन से दो 100 के बीच में है, 600 और 700 के बीच, क्योंकि 600 से लेके 700 के बीच में 601 टू 699 नंबर्स होते हैं। तो 600 से लेके 700 तक के नंबर्स की नंबर लाइन मैंने बनाई। अगेन 610, 620, 630, 640 एंड 650, और हमारा नंबर क्या है, 650। तो हमने इसे सर्कल किया। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा फिर हमें कन्फ्यूजन होगी कि हम 600 लें या 700 लें, बिकॉज 600 इज इन द मिडल। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर आगे वाले 100 को लेंगे जो कमिंग 100 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 700, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि जब 5 हो या 50 हो तो हम कौन सा नंबर लेंगे, हम आगे वाले नंबर को लेंगे, बैक साइड वाले को नहीं लेना है। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हमने नंबर लाइन के हेल्प से ये कॉन्सेप्ट अभी समझा है कि टेंस, नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट 100 का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी जब आप जहां की आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बाय चेकिंग डिजिट। ओके, सो द राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 एंड द क्वेश्चन इज 46, और हमें किसमें चेंज कर, किसमें राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियरेस्ट 10 में तो टेंस प्लेस, वंस टेंस प्लेस, फोर वंस टेंस। तो अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 10 में जब हमें चेंज करना है तो हम वंस ये होता है और ये टेंस प्लेस होता है, तो हम क्या करेंगे कि वंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे, जिसमें राउंड ऑफ करना है उससे एक पहले वाले डिजिट को हमें चेक करना होता है, दिस 6। ओके, नाउ ये डिजिट अगर 5 है, इफ दिस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, 5 या 5 से बड़ा है, तो टेंस वाले डिजिट में हम प्लस 1 करते हैं। ओके, एंड प्लस 1 करके क्या करेंगे, 4 + 1 यहाँ 5 हो जाएगा, और 6 के जगह पे जो इसके बाद जो डिजिट है उसको हम 0 कर देंगे। तो 46 का राउंड ऑफ हो गया 50। ओके, एक बार मैं फिर से बताऊँ, हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 है तो वंस टेंस प्लेस, 10 में करना है तो टेंस प्लेस, टेंस प्लेस के पहले कौन सा प्लेस होगा, वंस। तो हम वंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे, अगर ये नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम टेंस प्लेस वाले नंबर में प्लस 1 करते हैं और बाकी जो डिजिट है उसके पीछे उसे
जीरो करते हैं, तो इसमें प्लस वन किया तो फाइव एंड देन दिस है जीरो। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, इससे हम इजिली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट आंसर इससे निकल जाएगा हमारा। सो द नियरेस्ट 10 इज 50। अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। नाउ हम देखेंगे कि नियरेस्ट टेंस दैट मीन्स दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस। टेंस से पहले वंस हमें ये चेक करना है। अब ये फाइव से छोटा है, फाइव मैंने क्या बताया था, फाइव या फाइव से बड़ा होगा तो ऐड करेंगे, फाइव से छोटा होगा तो नो चेंज, फाइव से छोटा होगा तो नो चेंज। तो हम क्या करेंगे, थ्री का थ्री रहने देंगे यहाँ पे, और जो डिजिट है उसे बाद वाले डिजिट को जीरो कर देंगे। ओके, सो द नियरेस्ट टेन इज 30, आंसर इज 30। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 95। अब 95 में क्या देख रहे हैं हम, वंस और टेंस, वंस टेंस, हमें नियरेस्ट 10 में करना है, टेंस में करना है, तो पहले हम वंस को चेक करेंगे, फाइव या फाइव से ज्यादा तो हम क्या करेंगे प्लस वन। वंस प्लेस की डिजिट अगर फाइव या फाइव से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे प्लस वन। प्लस वन जब करेंगे तो हमारा क्या बना, नाइन प्लस वन क्या हुआ 10, और जो ये फाइव है, फाइव की जगह पे हमें क्या करना है जीरो, जो पीछे वाला डिजिट है उसे हमें जीरो कर देना है। तो क्या हो गया आंसर 100। क्यों, अब 95 जो है किस टेंस के बीच में आता है, 90, और जो अगला टेंस है वो होता है 100। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली कंफ्यूजन होती है 90s वाले रोम की, कि जो नंबर्स होते हैं वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो आप इस मेथड से करोगे कि 9 में प्लस 1 कर देंगे तो 10 हो गया, और ये अगर 9 से छोटा होता लाइक 92 रहता ये नंबर, तो ये 5 से 2 छोटा होता तो ये 90 हो जाता, बट यहाँ 5 है तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 कुछ भी नंबर यहाँ पे होता तो ये 100 पे राउंड ऑफ होता। ओके, सो द आंसर इज 100। तो अब आपको ये बात समझ आई कि अगर क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, लाइक 5 और मोर देन 5 है तो क्या करेंगे प्लस 1, एंड इफ लेस देन 5 है तो नो चेंज, लेस देन 5, इफ लेस देन 5 नो चेंज। ओके, ये बस आपको याद रखना है डायरेक्ट मेथड में। नाउ वी विल सी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। चिल्ड्रन, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 में सेम मेथड एप्लीकेबल है, बस प्लेस बदल जाती है। ओके, तो हम देखेंगे कि नियरेस्ट 100 के लिए सबसे पहले 100 प्लेस देखेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इज 173, सो दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस। 100 प्लेस वाला नंबर कौन सा है हमारा, 1। ओके, सो मैंने अभी बताया था ऊपर में, जब टेंस पे होगा तो वंस को चेक करेंगे, अभी 100 की बारी है, जब 100 में चेंज करना है हमें तो हम टेंस को चेक करेंगे, उससे एक पहले वाले को। ओके, नाउ सेम मेथड, इफ द टेंस प्लेस नंबर इज 5 और मोर देन 5 तो हम जो 100 वाला नंबर है उसमें प्लस 1 करेंगे। ओके, एंड नाउ 1 + 1 इज 2 एंड रिमेनिंग डिजिट जो बच गए उसे हमें क्या करना है जीरो। ओके, तो ये बात समझ आई आपको कि फिर से 100 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना है। 100 के लिए हम उससे एक पहले वाला यानी टेंस प्लेस चेक करेंगे, टेंस प्लेस पे अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम इसमें प्लस 1 करेंगे 100 प्लेस वाले नंबर में, और वो 1 + 1 2 हो गया, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसकी जगह पे जीरो लिखेंगे, तो 2 0 0 दैट इज 200। ओके, एंड द 173 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 आंसर इज 200। अब आप इसे अगर नंबर लाइन पे भी चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, आपको सेम मेथड मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, लेकिन
यहाँ जल्दी हो जाएगा हमारा आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 732. फिर हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 करना है. वंस टेंस हंड्रेड, 100 के पहले जस्ट कौन सा प्लेस है, टेंस. टेंस प्लेस पे अभी हमारा 3 है, सो दिस इज लेस देन 5. 5 से छोटा हो गया, तो मैंने बताया 5 या 5 से बड़ा होने पे +1 करना है और 5 से छोटा होने पे नो चेंज. तो 7 का 7 रहेगा एंड 2 डिजिट्स बचे तो 2 0 लगा देंगे. सो 732 का राउंड ऑफ क्या हो गया, 700. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 968. फिर ऐसे वाले जो 900 वाली नंबर्स होते हैं उसमें फिर से कंफ्यूजन आती है कि 900 एक होगा और दूसरा 100 कौन सा होगा. तो आगे 100 नहीं है, 1000 है. तो हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस यूज करेंगे. वंस टेंस एंड 100. 100 की जस्ट पहले टेंस को चेक करेंगे. दिस इज मोर देन 5, 6. सो 6 इज मोर देन 5. तो हम क्या करेंगे, 9 में +1 कर देंगे. +1 किया तो क्या बन गया यहाँ पे, 10. और कितने डिजिट बचे हैं, 2. तो 2 0 लगा देंगे. दिस इज 1000. सो द आंसर इज 1000. ओके, डू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, आपको ये बात समझ में आई. बस दो चीज याद रखनी है इसमें कि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो +1 करना है, अगर 5 से छोटा नंबर है तो हमें कोई चेंज नहीं करनी है. और जीरो कैसे लगाना है, जितने डिजिट्स उस नंबर के बाद बचेंगे उतने जीरो लगा देंगे. ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एंड 100. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एंड 100s. अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड 1-to-1 एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.